उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन दोनों की यह मुलाकात करीब डेढ़ घंटे तक चली। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच करीब दो घंटे से ज्यादा मुलाकात ये चली है। यूपी की सियासत में सीएम योगी की इन मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री योगी से भी मिलने के लिए पहुंच रहे थे सीएम योगी, और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से डेढ़ घंटे ये मुलाकात चली है। तकरीबन पौने 11 बजे से मुलाकात शुरू हुई, 12:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे, और बताया जा रहा है कि अभी भी मुलाकात चल रही है। वहीं पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्त का सौभाग्य मिला। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने एवं आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। दो दिन का दिल्ली दौरा है और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। दो तस्वीरें आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की। डेढ़ घंटे ये चर्चा चली है। आपको बता दें कि सुबह सुबह 10:45 बजे से ये चर्चा शुरू हो गई थी। दूसरी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात जारी है, ये अपडेट अभी मिल रहा है। और इस दौरान तस्वीर भी सामने आई है, हालांकि सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है, इस तस्वीर को भी उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी की मुलाकात जारी है, कई अहम मुद्दों पर अभी चर्चा चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। साथ ही अपडेट हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन त्रिपाठी। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं पवन, अभी क्या अपडेट है? मुलाकात लगातार जारी है, चर्चा चल रही है, लंबी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, 12:15 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे जेपी नड्डा के घर, और दो घंटे का लगभग वक्त होने वाला है, लगातार बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीएल संतोष जो पहुंचे थे जब लखनऊ, तो उन्होंने यहां पर जो भी बातें की थी, जो भी रिपोर्ट बनाई थी, उसको उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को भी सौंपा था। उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं चर्चा जो है, मुख्य चर्चा चल रही है, और किस किस तरीके से जो सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं, उनको कैसे, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, और क्या उनको कैसे साथ लेकर संगठन के साथ चलना है, उनको लेकर पार्टी के साथ चलना है, इन्हीं सभी मुद्दों पर लगातार चर्चा अंदर हो रही है। दो घंटे का समय लगभग होने वाला है, और अभी कितनी देर और ये चर्चा चलेगी इसका कोई भी समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शेड्यूल प्रोग्राम में ये आखिरी प्रोग्राम था और इसके बाद उन्हें रवाना होना था। फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का 1:30 बजे का समय जो निकल कर खबरों में आया था, वो फिलहाल अभी टलता दिखाई दे रहा है, अभी कोई अपडेट उसमें नया नहीं आया है, क्योंकि मीटिंग यहाँ पर जारी है और यही माना जा रहा है कि हर तरीके के मुद्दे हों, संगठन से जुड़े मुद्दे हों, पार्टी से जुड़े मुद्दे हों, बीएल संतोष की रिपोर्ट पे जो भी आधारित बातें हों, उन सभी पर यहाँ चर्चा का जो दौर है वो लगातार जारी है। ठीक पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट होता है तो आप सुनेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, काफी समय दिया जा रहा है, हालांकि कोरोना काल में तब भी मुख्यमंत्रियों को समय दिया गया ताकि निर्देशित किया जा सके, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कि आगे क्या रणनीति होने वाली है, इसके लिए भी आला कमान की तरफ से डेढ़ डेढ़ घंटे का समय, सब कुछ ठीक है ना सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी, और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तमाम इशूज ऐसे होते हैं जो विकास के, जो उसमें केंद्र और राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो उसमें और अदानी जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों से मिलकर जो उनका देश के प्रति दृष्टिकोण है कि प्रदेश में विकास का कैसे आगे काम बढ़े, और संगठन की दृष्टि क्या समन्वय हो, किस तरीके से
जो कोरोना काल है उसके बाद जो इफेक्ट्स हैं वो कैसे उस पे सरकार कैसे आगे बढ़े, जो तीसरी लहर की बात विशेषज्ञों ने की है उस पर क्या तैयारियां उत्तर प्रदेश में, तमाम इशूज रहते हैं जिस पर लगातार चर्चा मुख्यमंत्री जी की और इन लोगों से शीर्ष नेतृत्व से होती है और हमको लगता है कि इसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक, अनुराग भदौरिया जी से मैं पूछ लेती हूँ कि वो इस बैठक को किस तरीके से लेते हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं भदौरिया जी आप? लंबी लंबी बैठकें हो रही हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बोला उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी के बीच में हो रही है मान मनोवर की बात जी। और बंदर बात, लेकिन इन दोनों को नहीं, दोनों बीजेपी को नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता की कोई चिंता और कोई उनकी बात भी नहीं कर रहा है। ये चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। भाई आप आपस में अपना बंदर बांट करने में लगे, किसको क्या चाहिए किसको नहीं चाहिए, किसको क्या मिलना है किसको नहीं मिलना है, अच्छी बात है आप अपना लेन देन करते रहो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या कसूर किया जिसके बारे में इतनी तो मंथन कभी नहीं हुआ। इतनी लंबी देर की मीटिंग तो उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से कारा रही थी, कभी नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इनकी इतनी देर मीटिंग हुई या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी के साथ नहीं हुई चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश की जनता से को हम कैसे कोरोना से निजात दिलाएं, कैसे बेरोजगारी और महंगाई से इनको निजात दिलाएं। इतनी मीटिंग, आपको सत्ता की चिंता है, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है उसको सत्ता की चिंता ज्यादा है, जनता की चिंता कम, इससे साफ जाहिर हो गया। अब दूसरी बात है कि जो दोनों के बीच में खाई है, जो दिल्ली की बीजेपी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की बीच में खाई है, खाई को जब मिटाने की बात होती है तो समय लगता है, जब दोनों के बीच में मनमुटाव होता है, जब दूरियां होती हैं तो करीब आने में समय लगता है। वो ये अपनी बात मनवाने को कहते हैं, ये अपनी बात मनवाने को कहते हैं, एक दूसरे की बात को मनवाने में लगे हैं, लेकिन जनता की बात को कौन सुनेगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता लोगों की चिंता की बात, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री बनेगा, कौन संगठन में आएगा, कौन संगठन में नहीं आएगा, कौन ज्वाइन करेगा कौन ज्वाइन करेगा, वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी नहीं तय कर पा रही, वो दिल्ली की बीजेपी तय कर पा रही है। अब दिल्ली की बीजेपी जब उनको ज्वाइनिंग करवा लेती है, किसी नेता को इंपोर्ट करना पड़ता है, आप सोचो जब 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, ना दिल्ली की बीजेपी ने उनके काम में कोई मदद की या साथ मिलकर कोई काम नहीं किया, तभी तो आज आपको नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तभी तो आपको चिंता की बात हो रही है कि आपने जिनको अपने जिन लोगों को आपने अपने कभी साथ लिया नहीं था उनको भी साथ लेना पड़ रहा है, वो भी आपकी मजबूरी होगी कि आपको सत्ता पानी है तो उन नेताओं को भी साथ ला रहे हो। अरे प्रभु, नेताओं को तो आप ले आओगे डरा धमका क्यों, जो आपकी व्यवस्था है। आपका इशारा मनीष शुक्ला जी भी समझ गए हैं। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। मनीष जी, भदौरिया जी कह रहे हैं योजना पर मान मनोबल की बातें, बंदर बात हो रहा है, चिंता नहीं है प्रदेश की, लेकिन हाँ असंतोष है, लेकिन सभी अभी ये देखने में लगे हैं कि किसी को कुछ मिल जाए, शायद उसी का मंथन है कहिए। देखिए अनुराग जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में इसी तरह से चीजें चलती है, कभी पिता और बेटे में खाई बढ़ जाती है तो इसको फटने की कवायद होती है, चचा से तो ऐसी बढ़ी कि उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप का अध्ययन अनुराग जी को नहीं है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी यानी राज्य इकाई और केंद्र इकाई आपस में बातचीत कर रही है, ये इनको अनहोनी लग रही है। लेकिन मैं इनको थोड़ा बता दूं, क्या जो आपके प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बात नहीं करते क्या, श्री अखिलेश यादव जी से उन लोगों की बातचीत नहीं होती है? कम से कम पोलिटिकल बातों में अनुराग जी इतना इस तरह की बातें मत करिए कि आप पकड़े जाए, आपके जो राजनीतिक अनुभव का मामला है वो उस पर सवाल खड़ा होता है। इससे राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी में सब थोड़े अंतर होते हैं, थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको विषय समझ में आ जाएगा। और रही बात कि क्या बातें हैं, हमने तो बताया कि किस तरह की बातें होने वाली हैं, जी मीडिया को नहीं पता है। मैं जवाब दे दूं, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं। मैं भदौरिया जी आ रही हूँ, भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया, उनकी बात खत्म होने वाली है, मैं आपके पास आ मनीष जी। भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं ठीक, अगर उसका 10% भी
समाजवादी पार्टी का कर ले तो 47 से जो 4 सीटें होने वाली है 2022 में ठीक वो बच जाएगी। ठीक, थोड़ा अपने अध्यक्ष जी से कहिए, भदौरिया जी से, भदौरिया जी से, भदौरिया जी, मनीष जी कह रहे हैं कि देखिए बात करनी चाहिए, बात करना अच्छा होता है, आपने बात की हुई थी तो आपको भी फायदा मिल जाता, इसी तरह इशारा होगा शायद उनका। मैं तो बस इतना कहूंगा मनीष जी, आप हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं और आपको उत्तर प्रदेश की नहीं नहीं आप अपनी पार्टी के शुभचिंतक बनिए, और आपने जो जो मनीष जी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। ठीक, आपके पास लौटेंगे पवन के, हमारे संवाददाता के पास कुछ अपडेट है इस वक्त। पवन बताएं क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, बैठक 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 खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, यानी माना जाए लगभग 2 घंटे के आसपास की बैठक चली है, 12:15 पर अंदर गए हुए थे वो, और 2:10 का वक्त, यानी 2 घंटे का पूरा समय, और गाड़ी अब बाहर निकलना शुरू हो गई, सिक्योरिटी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद सिक्योरिटी एनएसजी कमांडो ने गेट के आगे अपना घेरा, सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है, अंदर से गाड़ी अब बाहर की तरफ रवाना होने के लिए स्टार्ट हो चुकी है, और अब बस इंतजार है इसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गाड़ी में बैठे और यहां से रवाना हो जाए, यानी लंबी बैठक के बाद अब कहीं ना कहीं आगे की तरफ ये बढ़ना शुरू होगा काफिला। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप देखिए हलचल बहुत तेज हो गई है, और अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और गाड़ी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, हम आपको तस्वीरें अंदर की दिखा रहे हैं, बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, और आप किसी भी वक्त यानी निकल चुके हैं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी जो है वो निकल चुकी है, और यहाँ से अब गाड़ी आगे बढ़ रही है, और आगे गेट को खाली कराया जा रहा है कि, और स्कॉट को पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया है कि आप बिल्कुल तैयार रहे, काफिला निकलने की बिल्कुल तैयारी में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अब मूव कर चुकी है और अब वो बाहर निकल रहे हैं, लगभग 2 घंटे का समय, यानी 2 घंटे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, 2 घंटे के इस समय में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, अपने सहयोगी पार्टियों को लेकर चर्चाएं हुई, और गाड़ी जो है अब धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना गाड़ी ने अभी शुरू किया है, और गाड़ी जो लोकेशन में खड़ी थी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे की तरफ लाने की तैयारी, और गेट पर कमांडो ने जो है वो पूरा जिम्मा संभाल लिया है, ताकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत हाई सिक्योरिटी नहीं है, और यहाँ पर अब हाई सिक्योरिटी ना होने के कारण मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, तो किसी भी तरीके से कोई, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकलते हुए देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मकान से बाहर की तरफ वो आ रहे हैं, और आने के बाद अब देखिए ये गाड़ी अब आगे की तरफ काफिला देखिए आगे की तरफ बढ़ चुका है, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई, अब गाड़ी सीधे जो है देखिए गेट पर आ रही है, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब गेट खुल रहा है और यहाँ से सीधे जो है गाड़ी लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिले को लेकर निकलेंगे, सीधी तस्वीर आपके पास, यानी कि अहम बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक के बाद क्या बड़े निर्णय लिए जाएंगे इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और बड़े में क्या रहेगा, देखिए देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और काफिला देखिए यहाँ से निकलना शुरू हो गया, निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला, अब आगे की तरफ चल पड़ा है, अब यानी जो सबसे देर तक चलने वाली बैठक थी करीब 2 घंटे वो खत्म हो चुकी है, और अब यहाँ से काफिला मूव कर चुका है, यानी कि महत्वपूर्ण बैठक, इसे महत्वपूर्ण बैठक इसलिए माना जाएगा कि गृह मंत्री के साथ 1 घंटा 40 मिनट, प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करीब 2 घंटे, ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई, और अब मुख्यमंत्री का काफिला यहां से निकल चुका है। बिल्कुल, तो सीएम योगी की बैठक जेपी नड्डा के साथ चल रही थी, 2 घंटे की बड़ी बैठक हुई है। पवन, काफिला कहां पहुंचेगा, क्या इसके बारे में अभी अपडेट है, क्योंकि संभावनाएं थी कि राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी, लेकिन 1:30 का समय प्रस्तावित था, इसके बारे में कोई जानकारी? पवन, आपको आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात चली है, सीएम योगी ने प्रधानमंत्री से भी इसके पहले मुलाकात की, और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात वो कर रहे थे, मुलाकात खत्म हो गई है, बैठक खत्म हो गई है। पवन, काफिला यहां से कहां पहुंचेगा, हालांकि राष्ट्रपति से मिलने का समय 1:30 का प्रस्तावित था, अभी कोई जानकारी मिली है क्या, उसके बारे में कोई अपडेट है क्या?
चलिए इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, लगातार अपडेट्स आपको हम देंगे। और आपको ये भी बता देते कि तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात चली प्रधानमंत्री के साथ, 2 घंटे मुलाकात चली जेपी नड्डा के साथ। अब इन मुलाकातों के बाद, क्योंकि कल भी बहुत महत्वपूर्ण दिन था, कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी तकरीबन 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट ये बैठक चली है, 1.25 घंटे लगभग ये बैठक चली है, और आज जेपी नड्डा के साथ लगभग 2 घंटे ये मुलाकात हुई है। अब इन मुलाकातों का निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखना बहुत अहम होगा। इस मुलाकात के बाद आखिर निर्णय क्या लिए जाते हैं, क्या कोई फैसले लिए जाते हैं, ये भी देखना होगा। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, काफिला कहां जाएगा, क्या उसके बारे में कोई जानकारी? 1:30 बजे का वक्त क्योंकि राष्ट्रपति से मिलने का भी था लेकिन शायद वो टल गया, ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। अब कहां रुख करेंगे सीएम? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं, मैं यहाँ से काफिला जो है अब आगे की तरफ बढ़ा है, हालांकि जानकारी अभी नहीं हो पा रही है। 1:30 बजे के आसपास का समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला हुआ था, वो फिलहाल जो है क्योंकि 2:15 का समय हो चुका है और भीड़ भाड़ बहुत थी, इसलिए शेड्यूल जो है या लोगों से पूछ पाना बहुत मुमकिन नहीं था। फिलहाल थोड़ी देर में अपडेट आ जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला किस तरफ गया है, कहां उनका अगला पड़ाव है। लेकिन अगर उनके स्केड्यूल की बात करें तो स्केड्यूल में पूरी तरीके से जेपी नड्डा आखिरी था और उसके बाद अब राष्ट्रपति कोविंद के यहाँ उनका काफिला मूव करने की बात की गई है और उसी की तरफ वो काफिला बढ़ा है। फिलहाल अभी आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि काफिला जो है वो राष्ट्रपति। पवन, इस पर नजर आप बनाए रखिएगा। अगर इस बैठक की हम बात करें तो बैठक क्योंकि 2 घंटे चली है और इस बैठक के बाद अब क्या निर्णय लिया जाता है ये बहुत जरूरी होगा देखना, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ 2 घंटे बैठक, उसके पहले प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटे बैठक, कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1 घंटे 40 मिनट बैठक, इसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है ये जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पवन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, समय की कमी है। अनुराग भदौरिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, अपडेट्स आपको देते रहेंगे, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, एक छोटे से ब्रेक ले